दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से। जहाँ दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अक्षय कुमार, करीना कपूर, दिलजीत दोसंझा, कियारा आडवाणी स्टारा फिल्म गुड न्यूज़ 27 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी और ये फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आई। इसके अलावा क्रिटिक्स ने भी अच्छे रिव्यू दिए थे इस फिल्म को। तो बात करने वाले हैं इस वीडियो में गुड न्यूज़ के पूरे लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर कई और बड़ी फिल्में रिलीज़ हो चुकी है तो गुड न्यूज़ की कमाई अब नहीं हो पा रही है। तो पूरा लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानने वाले हैं, फिल्म के बजट के बारे में जानने वाले, हिट और फ्लॉप के बारे में जानने वाले। तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ फिल्मों की ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों राज मेहता के निर्देशन में बनी थी ये फिल्म और इस फिल्म में अक्षय कुमार, करीना कपूर, दिलजीत दोसंझा, कियारा आडवाणी अहम किरदारों में नजर आए थे। अब जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो दर्शकों का मानना था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल हो जाएगी, लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं कि जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई, ऑडियंस ने इस फिल्म को देखा, क्रिटिक्स ने इस फिल्म को देखा, सेलिब्रिटीज ने इस फिल्म को देखा, तो ये फिल्म इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि फिल्म दर्शकों ने एक बार नहीं बल्कि चार चार पाँच पाँच बार देखा इस फिल्म को। और फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर बात करें तो ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म 150 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी, लेकिन फिल्म ने मात्र 27 से 28 दिनों में 200 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर लिया। फिल्म की ज़बरदस्त कमाई हुई। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि इंडिया में ये फिल्म 3100 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने अपने पूरे 30 दिनों में संडे तक, यानी कि चौथे हफ्ते में, पूरे 30 दिनों की कमाई में 203 करोड़ 50 लाख रुपए की टोटल कमाई की है। क्योंकि संडे को ऐसा लग रहा था कि फिल्म तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए के आसपास कारोबार करेगी क्योंकि संडे है, तो वहीं तानाजी फिल्म जो अजय देवगन की फिल्म है उस फिल्म ने जहां 15 करोड़ से भी ज़्यादा ही कमाई की, तो वहीं गुड न्यूज़ ने सिर्फ 20 लाख रुपए की कमाई की। तो अब ये आगे फिल्म नहीं चलने वाली है क्योंकि बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हो चुकी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हो चुकी है और अक्षय कुमार के करियर की भी सबसे बड़ी फिल्म साबित हो चुकी है। तो दोस्तों आपको क्या है कहना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टोटल कलेक्शन हो चुका है 203 करोड़ 50 लाख।